हलचल टीवी न्यूज। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरन सिंह बैंस ने आज किसानी विरोधी नवा खेती सुधार कानून के तहत किसान बचाओ पंजाब बचाओ रोस रैली साइकिल यात्रा का आगाज अमृतसर श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेक के अकाल तख्त साहब अरदास करके जलियांवाले बाग शहीदां नूं श्रद्धा के फुल भेंट करते किया। इस रोस मार्च में 50 साइकिल सवार अमृतसर तो 20 जून तो रस्ते में पांच पड़ावों की हुंदी हुई 26 जून चंडीगढ़ पहुंचेगी जिथे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान विरोधी नवा खेती कानून के विरुद्ध पंजाब मारू कानून रद्द करने लिए एक मेमोरेंडम दिता जाएगा। अज की यात्रा जो मोदी गवर्नमेंट वालों खेती सुधार ऑर्डीनेंस जोड़ा पंजाब खत्म करने वाला एक खुफिया रस्ता आने वाले 10-12 साल जोड़ा मध्यवर्गी छोटा किसान 75-80% पंजाब जमीन रैत किमें करना तूतों वाला खूह एक नावल आया से जिदे एक सेठ शाहूकार किसान की उपजाऊ भूमि हथियाने वास्ते की कुछ करता ये सेम उस पैटर्न के उत्ते उस नावल की तर्ज के उत्ते अडानिया पंजाब की उपजाऊ जरखेज भूमि कौडिया के पाते ये लोग नहीं देंगे MSP आ बादल रौला पाँदे भी MSP मिल गई समर्थन कर रहे हैं इस ऑर्डीनेंस का किड़े मूहन के नाल। अकाली दल तो देश के अंदर वो पार्टी रही है जी हमेशा वध अधिकारां की राखी वास्ते देश दियां दूजियां स्टेट पार्टियां नूं लीड करिया करती सी ते अज अकाली दल का प्रधान सुखबीर बादल अपनी पत्नी घरवाली वास्ते सिर्फ वजारत बचाउण लई राज नूं मिले अधिकार कानून खेतीबाड़ी के उत्ते सिर्फ के सिर्फ सब कुछ की 34वीं एंट्री पढ़ो खेतीबाड़ी के उत्ते कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज के कोल राज्यां दे कोल स्टेट दे कोल केंद्र दे कोल नहीं सुखबीर बादल मोटे टेक रहे सिर्फ सिर्फ वजारत बचाउण वास्ते अज असीं जिहड़ी यात्रा शुरू कीती आ सोमवार के शुक्रवार 5 दिन पहला पड़ा साडा ब्यास दूसरा पड़ा जलंधर तीसरा भगत सिंह होरां दे जद्दी पिंड खड़कड़ कलां चौथा पड़ा टिब्बी साहब रोपड़ ते 5वें दिन मुख्यमंत्री साहब ने एक मंग पत्र कि तुहाडे कोले गोल्डन एब्सोल्यूट मजोरिटी विधानसभा के अंदर आ आम आदमी पार्टी लोक इंसाफ पार्टी बहुत संमती दे नाल पंजाब विधानसभा का तुरंत हंगामी सैशन सद के इस काले कानून रद्द करके मोदी गवर्नमेंट नूं भेजो बाकी स्टेटां थोड़े मूँह वाल देख रही ने कैप्टन साहब राजनीति ना करो तुसी जन अंदोलन तुसी विरोध दे विच नहीं थोड़ी पार्टी सत्ता दे विच आ 4000 करोड़ पिंडां दे अंदर 7500 किलोमीटर दे करीब लिंक सड़कां जिहड़ियां RDF दे जरिए बनदियां ने इस ऑर्डीनेंस दे विच खत्म इन्हां कोले स्टेट सड़कां दे पैच नहीं लगदे पिंडां दीआं सड़कां कित्थों बना लैणगे इंफ्रास्ट्रक्चर किसानां दी जिणस चाहे उह कणक चाहे उह चावल ते चाहे कपाह अद्धे पौणे भावां दे उत्ते अडानी खरीदेगा 2-2, 3-3 साल कीमत नहीं देगा किसानों जे किसान जे सरकार दे अंदर एड्डी पावर आ वो गन्ना प्राइवेट मिल मालकों तो किसानों की कीमत दवावे जी 3-3, 4-4 साल तो बकाया अडानिया तो कीमत दवाना बड़ी दूर की गल आ जो कीमत नहीं मिलेगी किसान की जमीन पंजाब के अंदर 70-75 मीडियम तो छोटे किसान जमीन गिरवी पई आ बैंकों के कोल कुरकियां होणगियां ये नैक्सस हैगा कारपोरेट एंड बैंकों का एंड दलाली कर रही है सरकार कौडियां दे भा ते कुरकियां दे जरिए वो जमीना खरीद के पंजाब दे किसान नूं जमीन मुक्त करन दा टीचा ऑर्डीनेंस सी उहदा विरोध करन वास्ते इन्हां दा चेहरा अकालियां ते कांग्रसियां दा बेनकाब करन वास्ते अज साडी साइकिल यात्रा दा पहला दिन आ एंड इस यात्रा दी समाप्ति तो बाद असी अगला फेज सैकंड फेज भी स्टार्ट करांगे 50 साइकिल सवार एंड करोना बीमारी नूं हराउण वास्ते सोशल डिस्टेंसिंग दा मास्क दा सैनिटाइजेशन दा प्रॉपर इंतजाम ते पुख्ता इंतजाम करन तो बाद निजमां दा पालन करदे होए असी 4 रातां वख-वख शहरां च गुजारदे होए 5वें दिन चंडीगढ़ जावांगे। इन्हां दे राशन पानी दा की प्रबंध कीता गया वो असी एक मोबाइल किचन तुसी रस्ते च शूट कर सकदे हो तां कि हाइजीनिक जिहड़े साफ सुथरे बीमारी रहित लोग कुक हैगे आ मोबाइल किचन 2 हैगियां साडे कोले सड़क दे उत्ते टेंट ला के साडे चो कोई 50 साइकलिस्टां चो घर नहीं जाएगा लोगों एक मैसेज देन वास्ते भी अत्यंत गंभीर मुद्दा आने वाले 10-12 साल पंजाब के किसान की जमीन गई जाग जाओ लोगों दसण वास्ते कि असी टेंटा च रहण का मकसद की है साइकिल 7 बजे बंद करन तो बाद असी भी घरे जा सकते असी नहीं जावांगे
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਉਹ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ ਸਟੋਰ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ, ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਾ ਮੋਦੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਰੀ 'ਚ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 125 ਕਰੋੜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 7500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। PTC ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਾ। ਅੰਡਰਸਟੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।